हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज़ द डे 8 ऑफ आवर 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि अभी बस मैं देखने वाली हूँ मेरा वेट, उससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली वन वीक में हाउ मच वी हैव लॉस्ट एंड आई जस्ट शेयर दैट विथ यू गाइस। इसीलिए मैं अभी जस्ट खड़ी हुई हूँ वेइंग मशीन के पास में एंड उसके बाद वील मेक द मॉर्निंग ड्रिंक। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आज मैं अपना वेट बताऊंगी। दिस इज द वेट 142.2 एंड हमने जब स्टार्ट किया था इट वॉज 145। So we are doing good. मैंने आपको अपना वेट तो दिखा दिया। एक वीक में हमने ऑलमोस्ट टू केजीज वेट लूज किया है, विच इज परफेक्ट ग्रेट। और मैं ऑलरेडी उतने वेट पर आ गई हूँ जितना मुझे लूज करना था इन 21 डेज, सो विच इज अमेजिंग। खैर, अब मैं अपनी एप्पल साइडर विनेगर विद वाटर लेने वाली हूँ। दिस इज माई मॉर्निंग ड्रिंक। लव दिस टम्बलर, दिस इज एक्सट्रीमली क्यूट। लव लव लव। सो गाइज, इट्स फाइनली टाइम कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊं और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूं पनीर का सैंडविच। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूं, ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो आप वो देख सकते हैं। जल्दी से 15-20 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर खाना चाहती हूँ। हाउ मच वेट हैव यू गाइज लॉस्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या कैसी प्रोग्रेस चल रही है, बिकॉज डेफिनेटली हर किसी की प्रोग्रेस अलग अलग होती है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, तो सबकी अलग अलग आएगी, लेकिन मुझे ज़रूर बताना। एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि हमारा वीक टू स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी निकल गया वीक वन, जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल गया है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जल्दी से ये ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाए। आई एम सो डैम हंग्री, सीरियसली बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, टू सैंडविचेस, विद दैट आई एम गोना हैव माई चाय। यम्मी, कांट वेट टू डाइव इन। सो आई एम ऑल रेडी फॉर टुडे, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। नहा लिया है मैंने, ऑल ग्रीन एंड ग्रीन। सो अब टाइम हो रहा है 12 PM एंड मैं बनाने वाली हूँ लंच। लंच में आई एम मेकिंग उड़द की दाल। लेट मी शो यू, दिस इज द वन आई एम यूजिंग। खत्म हुई है पूरी उड़द की स्प्लिट दाल। ऑब्वियसली मैंने व्हाट आई डिड नॉट किया था एक, उसमें रेसिपी है, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दाल का। प्लेन तरीके से बस छौंक लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। राइस भी बन रहे हैं फॉर माई हस्बैंड एंड आई एम गोइंग टू ईट किनुआ, तो वो भी बन रहा है। शो यू मैं क्या बना रही हूँ। सो दिस इज माई लंच आज का, ये है उड़द स्प्लिट दाल, वेरी हेल्दी। इसके साथ आई एम गोइंग टू हैव किनुआ टुडे। हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 1 PM एंड मुझे भूख नहीं लग रही थी, लंच करने का मन नहीं कर रहा है, सो आई एम हैविंग दिस। ये है बटर मिल्क छाछ। आई एम नॉट रियली फीलिंग हंग्री क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा हैवी कर लिया था, दो सैंडविचेस पूरे फुल खाए मैंने, साथ में बड़ा कप था चाय का वो भी पी लिया, सो आई एम प्रीटी फुल। मेरा लंच ऑलरेडी बनकर रेडी भी हो गया है लेकिन आई डोंट फील लाइक ईटिंग, सो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी खा रही हूँ अभी। वो जो मैंने लंच में बनाया है आई विल हैव दैट इन द इवनिंग या फिर डिनर टाइम पर, लेट्स सी। अभी तो आई एम जस्ट हैविंग दिस। चीयर्स। आज आना एंड मामा आर मैचिंग, है ना? वी बोथ आर मैचिंग। मामा इज नॉट फीलिंग वेल आना, मामा को प्यारी कर दो, प्यारी कर दो। थैंक्स मेरा बीबी। सो इट्स 7 PM एंड अब है मेरा डिनर का टाइम। मैं डिनर करने लगी गई थी सो आई थॉट कि मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या खा रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। ये है दाल जो मैंने उड़द की दाल बनाई थी विद किनुआ एंड साथ में मैंने कुछ अनियन लिए हैं बिकॉज आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ दाल एंड अनियन, तो इसीलिए अब बस मैं ये इन्जॉय करने वाली हूँ। दिन से मैंने नहीं खाया है ये कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना, अदरवाइज मैं हंग्री नहीं थी। तो बस अभी आई एम गोइंग टू जस्ट इन्जॉय दिस एंड थोड़ा और भूख लगेगी अगर तो आई माइट टेक मोर,
क्योंकि आज मैंने दिन में नहीं खाया, ठीक है. जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज. अब मैं कल आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू मील प्लान. फाइनली गाइज, इट इज़ द टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो बड़ा मज़ा आने वाला है टू आंसर योर क्वेश्चंस. अब मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है. आज दिन में आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो मैं ज़्यादा फिल्म नहीं कर पा रही थी. दैट इज़ वाई मैंने इवनिंग में भी आपको नहीं दिखाया कि इवनिंग टी टाइम पर मैंने क्या लिया. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, वही सेम ग्रीन टी ली थी. उसके साथ आई हैड अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में, वही बस और कुछ नहीं, ठीक है. एंड हाँ, मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक भी आज नहीं दिखाया आपको, तो आई हैड एन एप्पल, ठीक है. तो वो मैंने क्लियर कर दिया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम हर्षरण बाल. हे, आई लव वॉचिंग योर वीडियोज. क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू क्रेव शुगर लाइक चॉकलेट एक्सेट्रा. हाँ जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट क्रेव अ लॉट फॉर शुगर बिकॉज आई डोंट रियली लाइक शुगर दैट मच. लेकिन हाँ, वेन एवर आई डू क्रेव, तो मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा. लाइक एक एग्जाम्पल देती हूँ, समटाइम्स जब मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है, शेयर इट विद माई हस्बैंड, तो दैट वेज आधा ही मतलब पेट में जाता है, तो दैट वे मेरा नुकसान थोड़ा कम होता है. सो शेयर कर लो अगर आपको मन है तो खाने का, है ना. तो दैट वे पूरा नहीं खाओगे, एटलीस्ट शेयर कर खाओगे, आधा नुकसान होगा, है ना. एंड वन मोर थिंग आई डू समटाइम्स इज बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो मैं डार्क चॉकलेट ले लेती हूँ हर्शीज की. सो दैट्स वेरी गुड, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इमाम मसूद, हाई मैम, कैन यू प्लीज टेल मी इफ वी कैन ईट सम कार्ब्स लाइक ब्राउन राइस और स्मॉल रोटी इन डिनर. आई हैव लॉस 17 केजीज एंड देन लॉस्ट नथिंग इन अ मंथ. नाउ आई वॉन्ट टू लूज मोर 6 to 7 केजीज. हाँ जी बिल्कुल, आप खा सकते हैं कार्ब्स, जस्ट मेक श्योर टू पोर्शन कंट्रोल इट. डिनर में काफ़ी लोगों को क्योंकि भूख लगती है, एंड दैट्स टोटली फाइन, यू कैन हैव कार्ब्स. मतलब ब्राउन राइस भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो आप, रोटी वगैरह. लेकिन बस पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लंच में जितना खाया है उससे हाफ क्वान्टिटी खाओ. एंड ट्राई टू हैव अ सब्ज़ी जो कि थोड़ा प्रोटीन रिच हो, लाइक पनीर खा लो या टोफू. इतना ईजीली अवेलेबल नहीं होता हर जगह. एग्स अगर आप खाते हैं तो बॉइल्ड एग, वाइट एग जो होता है, दैट इज़ रियली रिच इन प्रोटीन, तो आप वो ले लो, विदाउट रोटी ले लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम राधिका गुलाटी. हेलो मैम, योर वॉइस इज़ सो स्वीट, थैंक यू. आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कैन आई टेक एप्पल साइडर विनेगर और प्लीज़ टेल अनदर ऑप्शन. हाँ जी, तो देखो, इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ ज़ीरा वाटर, ठीक है. तो वो फैट कटर ड्रिंक मेरे चैनल पर है, रेसिपी है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एज फैट कटर ड्रिंक. वो देखिए आप एंड वो बनाओ, ठीक है. वो मिल्क सप्लाई में भी बड़ा हेल्प करता है. नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एप्पल साइडर विनेगर, दैट्स टोटली फाइन. लेकिन आई सजेस्ट यू गाइज कि आपका बेबी अगर 1 ईयर प्लस है, ओनली देन टेक एप्पल साइडर विनेगर, एंड दैट टू इन मॉडरेशन. बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, तो मतलब एक बार अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, दैट टू 2 teaspoon या 2 tablespoon, दैट्स टोटली फाइन. उससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी. अमीशिल, दीदू क्या इस डाइट से लोअर बॉडी कम होगी, मींस हिप्स एंड थाई, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़. हाँ जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी. हर जगह का फैट धीरे धीरे कर जाएगा. इट इज़ दैट काइंड ऑफ डाइट जो बहुत हेल्दी है, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ डाइट, आपका पूरा फैट धीरे धीरे कर जाएगा. कुछ प्लेसेस पे से जल्दी पहले चला जाता है, कुछ प्लेसेस से बाद में चला जाता है, लेकिन जाएगा सब जगह का. सो डोंट वरी, इंचेस लूज होंगे, साथ में वेट भी गिरेगा, लेकिन इट टेक्स टाइम. इट इज़ अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल. तो थोड़ा लंबा टाइम तो आपको देना पड़ेगा इसको, है ना. बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो परमानेंट होंगे. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डाइट, ठीक है. और आपने देखा, मैंने एक हफ्ते में 2 kg लूज किया है वेट, मैंने साथ में इंचेस भी डेफिनेटली लूज किए हैं. तो वही है कि आप इंचेस भी लूज़ करते हो, वेट भी लूज़ करते हो, लेकिन एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड. थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को, है ना. मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और बहुत ज़्यादा ही मैं डाइट को लेकर अपनी एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, एंड दैट इज़ वाई सब कुछ टाइम पर हो जाता है. लेकिन अगर आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं है तो थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट करो और हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अंजलि कुमारी. हाई शिक्षा, योर डॉटर इज़ वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव बैक टू यू. My question is, what is your height? हाँ जी, तो my height is 5'5". काफ़ी बार मुझे ये question आता है, एंड मैंने बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, 5'5" is my height. एंड अब मेरा जो वेट है, दैट इज़ अगेन 64 हो गया था मेरा वेट लूज कर, देन 2 kg बढ़ गया था, वो मैंने लूज कर लिया है. अगेन आई एम बैक टू 64 kgs, ठीक है. ये थे आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स. आई होप आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से. हेल्प मिली हो, मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बगल में जो बेल बटन है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट ऑल्सो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज. क्या गाइज, वन मोर थिंग, क्योंकि अब ऑलरेडी 8 days हो गए हैं, लाइक दिस इज द 8th day जब मैं सेम काइंड ऑफ कॉन्टेंट फिल्म कर रही हूँ, तो मैं काइंड ऑफ सीरियसली बताऊँ तो आई एम फीलिंग लाइक अ लिटिल बोर्ड
कि सेम थिंग आई एम शोइंग अगैन एंड अगैन. सो काइंडली टेल मी कि आप लोगों को क्या देखना है, क्योंकि दिस इज़ अ 21 डेज चैलेंज एंड मैं बीच में नहीं रोकना चाहती इसको. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, 13 डेज और बचते हैं इसके बाद. आई वॉन्ट टू कम्प्लीट 13 डेज बिकॉज काफ़ी लोग आप लोगों में से कर रहे हैं ये चैलेंज, तो आई विल डू इट. लेकिन थोड़ा मुझे आइडियाज़ दो कि मैं आपको और क्या ऐसी वेरिएशन करूँ या क्या दिखाऊँ जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, और शायद मुझे भी फिल्म करने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि जब तक मुझे नहीं आएगा ना इंटरेस्ट तो मुझे मज़ा नहीं आता फिल्म करने में. सो या मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ठीक है गाइस, बाय.